अक्षरा और पवन सिंह का पहला गाना कौन सा था? जी हाँ, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नेट भोजपुरिया। बहुत पुरानी बात है, अक्षरा और पवन सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसी जोड़ी जिसे देखने के लिए सब दौड़े चले आते थे सिनेमाघरों में, और सिनेमाघरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाया करते थे। सिनेमाघर में जब दर्शकों की भीड़ लगेगी जनाब, तो ऐसे ही सिनेमाघर मालिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो सिनेमाघरों में दौड़े चले आते थे दर्शक और फिल्में हो जाती थी सुपर डुपर हिट। ऐसे ही रातों रात नहीं कोई सुपरस्टार बन जाता, उसमें होता है फैंस का साथ। तो फैंस को एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं अक्षरा सिंह पवन सिंह का वो पहला गाना जब उन्होंने गाया था और प्यार हो गया था पवन सिंह को। तो देखिए आखिर कौन सा था ये गाना हमारी इस रिपोर्ट में। पवन और अक्षरा सिंह को न जाने किसकी नजर लग गई, क्योंकि दोनों के प्यार में जो अटूट बंधन था वो बंधन अब टूट गया है। उस बंधन में बड़ी सी दरार आ गई है जो शायद ही भर पाए। ये बंधन क्या कमजोर हो गया था? क्या इस बंधन को सही तरीके से बांधा नहीं गया था? आखिर इस बंधन को किस मियाद पे रखा गया था? ये कई सवाल हैं जो दर्शकों के सामने कौंध रहे हैं। अक्षरा सिंह का और पवन सिंह का वो पहला गाना आज भी याद आता है, कमर लचकावेलू। गजब वो गाना था, और उस गाने में बला की खूबसूरत अक्षरा सिंह को पवन सिंह यूं देख रहे थे जैसे चांद चकोर को देखता है। चांद और चकोर की कहानी तो आपने सुनी होगी, बिल्कुल वही एग्जाम्पल यहाँ पर लागू होता है अक्षरा और पवन को लेकर। पवन और अक्षरा के प्यार की किस्से अजीबो गरीब हैं। पवन और अक्षरा के प्यार के किस्सों को अगर हम सुने और सुनाएं तो शायद वक्त थम जाए, क्योंकि उस प्यार में तकरार भी थी और उस प्यार में वो इजहार था मासूम सा, जिसे हर कोई देखना सुनना समझना चाहता था। तभी तो जब भी ये जोड़ा दिखता था फिल्मी पर्दे पर, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और फिल्म हो जाती थी सुपर डुपर हिट। नाम ही काफ़ी था, कमर लचकावेलू पहला गाना। इतनी खूबसूरत सी एक लड़की आती है जिसे देखकर दंग रह जाता है भोजपुरिया जगत कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। जी हाँ, अक्षरा बेहद खूबसूरत है और उनकी खूबसूरती के कायल हो गए पवन सिंह। इस गाने में जब उन्होंने काम किया तो अक्षरा सिंह से उनका प्यार परवान चढ़ गया, उन्हें इश्क हो गया अक्षरा से। इसी गाने से शुरुआत हो गई इश्क की। यूं इश्क का नमक चढ़ा इनके जुबां पर कि वो शायद ही उतर पाता, और ये किस्सा अब एग्रीमेंट तक बदल चुका था और एग्रीमेंट चलता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब एग्रीमेंट खत्म हो गया। एग्रीमेंट खत्म होते के साथ ही प्यार के किस्से भी अधूरे रह गए, प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, और इसका नतीजा आज आप सभी के समक्ष है। तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह में जो तकरार हुआ है उस पर ये तमाम चीज़ें हम याद करके उस पल को याद करना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं कि एक पल वो भी था। आप दोनों याद करें, आप दोनों ये याद करें कि कितनी अच्छी मित्रता थी, कितनी अच्छी दोस्ती थी, कितना गहरा प्यार था। इस प्यार को याद कीजिए और एक दूसरे के बीच जो चल रही दरारें हैं उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि दोस्ती और प्यार में दरारों का कोई मतलब नहीं होता, और जब दरारें ही हैं तो फिर दोस्ती काहे का, काहे का प्यार। तो अब जब पवन सिंह ने शादी कर ली है तो अक्षरा को उनके रास्ते पर जाने दें, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार को कुर्बानी की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि ये कुर्बानी पवन सिंह की तरफ से ये हो जाए। क्यों पवन सिंह बार बार अक्षरा सिंह के रास्ते में रोड़े अटैच हैं? क्यों पवन सिंह अक्षरा सिंह के प्यार में रोड़े अटका रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह लगातार मीडिया के समक्ष ये बातें कह रही हैं कि पवन सिंह से उन्हें खतरा है। आखिर क्यों पवन सिंह इस प्यारे से रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो था, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी नियम थे उसे अक्षरा ने बड़े ही बखूबी निभाए थे। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट की फिल्में भी बन चुकी हैं जिन पर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारे समाज में क्या चलता है। कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, तो फिर उन्हीं आईना दिखाने वालों को क्यों ज़रूरत पड़ जाती है आईना दिखाने की? क्योंकि आज फिर से ज़रूरत है दोनों को एक बार आईने में अपनी शक्ल देखने की कि क्या ये वही अक्षरा है, क्या ये वही पवन है जिन्होंने
भोजपुरी जगत में धूम मचाकर रख दिया था। इस जोड़ी को हर कोई सलाम करता था, सल्यूट करता था। आज उस जोड़ी को नजर लग गई है। अब इस जोड़ी को कैसे बरकरार रखा जाए और अगर तोड़ना है तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए, आखिर क्या हो सकता है। हम तो बस यही कहेंगे कि जो ये पहला गाना है इसे सुने देखें तो दिल में जरूर थोड़ी सी रहम आएगी एक दूसरे के लिए। पवन सिंह अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो रास्ते पर आ जाएं, अक्षरा अगर कुछ गलत कर रही हैं तो वो समझें कि उस वक्त क्या था और आज का वक्त क्या है, और बदलते हुए वक्त के साथ अगर लोग आगे बढ़ें, खुद को बदलें, तभी उनके जीवन में विकास हो सकता है। तरक्की करने के लिए समझना चाहिए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये परिवर्तन दोनों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए हम भी कुछ प्यार के गीत गुनगुना ही लेते हैं, क्योंकि अक्षरा और पवन का ये सीन देखकर दिल में सचमुच गुदगुदी होने लगी है और हमें भी गाने का दिल करने लगा है। क्या आपका भी दिल कर रहा है कुछ गाने का? अक्षरा और पवन सिंह सचमुच में बड़ी अच्छी जोड़ी थी, दो हंसों का जोड़ा कह सकते हैं, जो बड़ा ही खूबसूरत था। हंस की तो तुलना ही नहीं किसी से की जा सकती है, बिल्कुल। अगर बुद्धि भी वैसी हो जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बुद्धि मतलब हंस की हमेशा ये बुद्धिमत्ता मानी जाती है कि दूध दे दो पानी मिला हुआ तो वो पानी को छोड़ देता है और दूध पी जाता है, इतनी शक्ति होती है उसमें। तो क्या इन दोनों के प्यार में इतनी शक्ति नहीं है कि एक दूसरे के लिए कैसे हम जगह बना कर चलें और एक दूसरे का जो साथ है वो देते हुए चलें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? चलिए हमें है उस पल का इंतजार। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सुझाव देना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमें दीजिए सुझाव। नमस्कार।